मुंबई से आ रहे एयर इंडिया के एक विमान में गुरुवार को बम होने की धमकी मिली। इसके बाद तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी गई। हवाई अड्डे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विमान सुबह करीब 8 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। इसमें 135 यात्री सवार थे और विमान को आइसोलेशन में ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। हवाई अड्डे में परिचालन संबंधी कोई भी बाधा नहीं है। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि धमकी किसने और कैसे दी। मामले की लगातार जांच की जा रही है।